बिसमिल्लाम्स गल्फ़ डेली न्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है सुबह सवेरे की कुछ अहम खबरों के साथ आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो देखने के साथ साथ लाइक ज़रूर प्रेस कर दिया करें और वीडियो को दूसरे लोगों से शेयर भी किया करें सऊदी वजारत हज उमरा की जानब से इलेक्ट्रॉनिक उम्रा वीज़ों के आगाज़ के साथ ही पाकिस्तानी उम्र ट्रेवल एजेंट्स ने ऐलान किया है कि नए उम्र पैकेज में ग्यारह हज़ार रुपये कम कर दिए गए हैं लिहाजा नए उम्रा सीजन में उम्र पैकेज की कीमत ग्यारह हज़ार कम होगी कुछ माह पहले सऊदी वजारत हज उम्रा ने उम्र पैकेज में शामिल इंश्योरेंस की रकम दो सौ पैंतीस रियाल से कम करके अठासी रियाल कर दी थी इस तरह इंश्योरेंस की रकम में कमी की वजह से उम्र पैकेज भी अब दस से ग्यारह हजार रुपये सस्ता हो चुका होगा पाकिस्तानी उम्र ज़ारीन के लिए इक्कीस दिन का उम्र वीज़ा पैकेज एक अंदाजे के मुताबिक दो लाख पच्चीस हजार से शुरू होकर दो लाख पैंतीस हज़ार तक हो सकता है पैकेज में कमी ज़्यादा रियाल रेट और पैकेज के लिहाज से हो सकती है लिहाजा एक एस्टिमेटेड प्राइस के लिहाज से 21 दिन का पैकेज दो लाख पच्चीस से दो लाख पैंतीस हज़ार तक हो सकता है जवाजात से एक शख्स ने सवाल पूछा कि दो साल पहले मैं मेरे मुल्क छुट्टी पर गया था लेकिन छुट्टी ख़त्म हो जाने के बाद वापस नहीं आ सका अब दूसरे वीज़े पर आने के लिए सिस्टम चेक किया तो मेरे स्टेटस में काम से गैर हाजिर दर्ज है क्या मैं दूसरे वीज़े पर सदिया आ सकता हूँ जवाजात ने तफसी शेयर करते हुए कहा कि इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक वो अफराज जो खरूजो उदा पर जाकर वापस नहीं आते इन्हें तीन साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है तीन साल मुकम्मल हो जाने के बाद वह जब चाहें दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं तीन साल के लिए ब्लैक लिस्ट होने वाले अपने पुराने कफ़ील की जानब से जारी करदा नए वीज़े पर इन तीन सालों के दौरान भी वापस आ सकते हैं लेकिन नए कफील के जारी करदा वीजे पर आने के लिए तीन साल की पाबंदी को मुकम्मल करना होगा तीन साल इंतजार के बाद आप दोबारा सऊदिया आ सकते हैं तीन साल के लिए ब्लैक लिस्ट का कानून खरूज उदा यानी एग्जिट री एंट्री की मदद ख़त्म होने के बाद से शुरू हो जाता है अपने मुल्क छुट्टी पर जाने वाले गैर मुल्की जब मुक्रा वक्त पर सऊदी अरब वापस नहीं आते उनको खरूज उदा का वीजा भी एक्सपायर हो जाता है फिर तीन माह से छ माह के बाद जवाजात का ऑटोमेटिक सिस्टम गैर मुल्की के स्टेटस में खिलाफ वर्जी दर्ज कर लेता है और फिर ऐसे तमाम अफराद पर तीन साल के लिए पाबंदी आयद कर दी जाती है तीन साल तक ब्लैक लिस्ट रहने वाले गैर मुल्की इस बात को जहन में रखें कि तीन साल की पाबंदी की मुद्दत का तयन खरूज उदा के एक्सपायर होने के कम अज़ कम एक माह बाद से किया जाता है वो भी इस सूरत में जब इनका अकामा एक्सपायर हो गया हो और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जवाजा का सिस्टम लूनर कैलेंडर से यानी चांद की तारीखों से चलता है लिहाजा तीन साल की पाबंदी का वक्त मुकम्मल करने के बाद भी जो लोग सऊदियाँ आने के लिए नए वीज़े का प्रोसेस करें तब बहुत मुमकिन है कि जिस तरह से तीन साल की तारीखें उन्होंने अपने लिहाज से एस्टिमेट की हों उस थोड़ा बहुत रद्दोबदल हो लिहाज़ा तीन साल की पाबंदी का वक्त मुकम्मल करने के बाद जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं नए वीज़े का प्रोसेस स्टार्ट करें वो इन तमाम बातों का लाजमी ख्याल रखें बल्कि बेहतर यही होगा कि तीन साल गुजर जाने के बाद भी कम अज़ कम तीन माह का अरसा सब्र करें और उसके बाद नए वीज़े के लिए अप्लाई करें ताकि सऊदिया वापसी के लिए कोई रुकावट पेपर वर्क में मुश्किल का बायस ना बने अलबत वो गैर मुल्की जो छुट्टी खत्म होने के बाद सऊदी अरब वापस ना आ सके इनका खरूज उदा का वीज़ा एक्सपायर हो गया लेकिन अकामा अभी भी तजदीद है तो वो दोबारा मुमलिकत आना चाहते हैं तो इनका पुराना कफील खरूज उदा की मदद में तोसी करवा कर अपने कारकुन को सऊदी अरब बुलवा सकता है लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जवाजात के सिस्टम में कारकुन का स्टेटस ब्लैक लिस्ट ना हो किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा पर कस्टम हकाम ने बैरून मुल्क से स्मगल की जाने वाली नशावर गोलियों की बड़ी मक़दार जब्त करके मुलविस अफराद को तहकीकती इदारों के हवाले कर दिया है नशावर गोलियों की बड़ी मकदार शहद की मक्खियों के छत्ते में छुपाई गई थी जिन्हें कस्टम और इंसदादे मंशात के अहलकारों ने बरामद किया इस तमाम कार्रवाई में दो अफराद को भी गिरफ्तार किया गया तफसलत के मुताबिक बैरून मुल्क से लाई जाने वाली एक शिपमेंट जिसमें शहद की मक्खियों के छतों को लकड़ी के डब्बों में रखा गया था कस्टम अहलकारों ने लेटेस्ट इक्विपमेंट और बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ साथ पेशा वाराना महारत से जब लकड़ी के डब्बों और शहद के छतों का जायज़ा लिया तो वहाँ कुछ खुफिया खानों में भारी मकदार में नशावर गोलियाँ छुपाई गई थी इस तमाम कार्रवाई में शराब रसाँ कुत्तों से भी मदद ली गई थी तमाम डब्बों को खोलने के बाद इनमें से एक लाख सेवेंटी एट थाउजेंड टू सेवेंटी फोर नशावर गोलियां बरामद करके इन दोनों अफराद को भी गिरफ़्तार कर लिया गया जो इस शिपमेंट को वसूल करने के लिए आए थे अदारा अमनो अमा का कहना है कि मनशात के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहम में हमारा साथ दें मनशात फरोशों की इतला देने वालों को हर तरह का तहफ़ फ्राहम किया जाएगा मालूम देने वाले पर किसी किस्म की जिम्मेदारी आयद नहीं की जाएगी मनशात फरोशों की तफसी के बारे में इतला देने वालों का नाम और उनकी शनाख्त डिस्कलोज नहीं की जाएगी सऊदी शहरी और गैर मुल्की अगर अपने इर्द गिर्द ऐसे अफराद को जानते हैं जो मनशात के कामों में मुलविस हैं या सोशल मीडिया सैट्स के ज़रिए मनशात फ़रोख करने का काम करते हैं तो इनकी इतला दें मक्का मुक्रमा रियाद और मशरकी रीजन वाले नाइन डबल वन पर कॉल करें जबकि मुम्लिकत के बाकी शहरों के लोग ट्रिपल नाइन पर कॉल करके रब्ता कर सकते हैं इसके अलावा डबल नाइन फाइव महकमा इंसद मंशात यानि एंटी नाकटिक्स का नंबर है यहाँ कॉल करके भी तफसी शेयर की जा सकती हैं जनरल सोशल इंश्योरेंस के इदारे का कहना है कि इनके पास रजिस्टर्ड गैर मुल्की की तादाद सत्तर लाख अस्सी हज़ार से ज़्यादा है जिनमें 40 लाख से ज़्यादा गैर मुल्की वो हैं जिनकी तनख्वाहें 1500 सौ रियाल से भी कम हैं 20 लाख पचास हजार ऐसे गैर मुल्की हैं जिनकी महाना तनख्वाह 1500 सौ से तीन हज़ार रियाल के दरमियान है जबकि 10 लाख सोलह हजार गैर मुल्की ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें तीन हज़ार रियाल से ज़्यादा हैं जद्दा म्यूसिपैल्टी ने अलबदादिया मोहल्ले की सड़कों के फुटपाथों को प्रीपेड पार्किंग में तब्दील कर दिया है बल्दिया के इस इकदाम से शहरीों और गैर मुल्कियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मकामी शहरीों खूस अस्पतालों से रुजू करने वाले अफराद ने बल्दिया से दरख्वास्त की है कि फुटपाथ्स को प्रीपेड पार्किंग में तब्दील करने वाले फ़ैसले पर नज़रसानी की जाए क्योंकि बल्दिया के इस इकदाम से सब लोग मुश्किल में फंस गए हैं सऊदी शहरीों का कहना है कि जिन मकाम पर प्रीपेड पार्किंग बताई गई है वो सेहत की खिदम्त फराम करने वाले हॉस्पिटल्स के इलाके हैं लोगों का कहना है कि वो जल्दी में गाड़ी पार करके हॉस्पिटल चले जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो वहाँ गाड़ी नहीं मिलती लिहाजा बल्दिया का महकमा गाड़ियों को उठाने और जुर्माने का मसला हल करने के लिए फौरी इकदाम करे दुनिया के महफूज तरीन और हर सहूलत से मुजय दस शहरों की लिस्ट में मुतह अरब अमारात के तीन शहर सर फहरस्त रहे दुबई अजमान और अबूदाबी सर फहरस्त हैं पहले नंबर पर अबू दूसरे नंबर पर अजमान जबकि दुबई तीसरे नंबर पर रहा अमराती सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि महफूज तरीन शहरों में पहली तीन पोजिशन पर आना ये बात साबित करता है कि अरब अमारात में कौमी मीशत तरक्की पा रही है सरमाकार यहाँ अमन महसूस कर रहे हैं जराइम की शरह ना होने के बराबर है और इसके अलावा शहरीों और गैर मुल्कीों के लिए कवानी बराबर हैं बिलाशुबह ये बात सच है कि किसी भी मुल्क की तरक्की में कवानी अदालती निज़ाम सज़ा और जजा के लिए यकसा मसावी कवानी बहुत अहमियत रखते हैं जहाँ लोगों को कवानी अदालत और पुलिस के निज़ाम पर अतमाद होता है वहाँ जराइम का रेशो भी ना होने के बराबर होता है